साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को खुश देखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, फिर चाहे बच्चा बनना हो या फिर किसी भी शर्त को मानना हो, तो इसका मतलब आप गहरे प्यार में हैं। और एक रिसर्च के अनुसार जब हम किसी को अपने अरमान और लक्ष्य बताते हैं तो अक्सर वो पूरे नहीं होते, क्योंकि तब हम अपना ध्यान उस लक्ष्य की तरफ से हटाने लगते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारण के प्यार करता है, तो वही व्यक्ति अगर आपसे नफरत करेगा तो उसके लिए भी उसको किसी भी कारण की जरूरत नहीं होगी, वो बिना कारण के आपसे नफरत भी कर सकता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको बहुत चिढ़ाता है और ऐसा करने से उसको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको चिढ़ाने की कोशिश करे तो ये बात आपको बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार ब्रेकअप के बाद अगर आप अपने पार्टनर की यादों को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चीजों को भूलते नहीं बल्कि और ज्यादा याद करने लगते हैं। और आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड सबसे अलग हो, लेकिन ये वो खुद नहीं जानती कि सबसे अलग का मतलब क्या होता है। और दोस्तों, मुश्किलें हर व्यक्ति के रास्ते में आती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो व्यक्ति उन मुश्किलों में अपने दिमाग को यूज करता है वो इनसे बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और अगर हम सच में किसी की परवाह करते हैं तो उसके मूड का सीधा असर हमारे मूड पर भी होता है। वो खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, और अगर वो दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा अच्छाई या बुराई करने वाली बातें करता है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान किसी न किसी तरीके से उससे प्रभावित है या उससे इम्प्रेस है। और जो लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती, तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती है। और एक रिसर्च के अनुसार डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का ही नतीजा है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका असल में कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जिस रिश्ते में खटास और मिठास दोनों होती है, तो वो लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि सिर्फ प्यार ही रिश्ते की नींव नहीं होता। और अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको उसे बार बार मनाने के बजाय उससे कुछ टाइम के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि रात में सोते वक्त कई बार हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती रहती है, और ऐसा तभी होता है जब हम किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान होकर सोते हैं। और दोस्तों, जो लोग समझदार और बुद्धिमान होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम या अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते। 15,000 लोगों पर की गई एक स्टडी के अनुसार अगर आपके चारों ओर बेवकूफ लोग ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे माहौल में आप खुश नहीं रह सकते। और रात में सोते टाइम अगर आपकी नींद अचानक टूट जाती है, तो बहुत मुश्किल है कि अब आप दोबारा सो पाएंगे। और ज्यादातर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि परेशान होकर सोए हुए होते हैं। और वहीं इसका उल्टा, बिना परेशानी के सोए हुए लोगों की अगर अचानक नींद टूट जाती है और वो दोबारा सोने की ट्राई करते हैं, तो उन्हें पहले के मुकाबले दोबारा और ज्यादा गहरी नींद आती है। और एक रिसर्च के अनुसार गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाता है, तो वो व्यक्ति अपने शरीर के किसी हिस्से को रगड़ता होगा। इससे आप उसे पहचान सकते हैं कि वो आपसे कोई ना कोई बात को जरूर छुपा रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार पर्याप्त नींद ना लेना और भूखे रहना, यही दो सबसे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है। और जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा महसूस करता है, तो वो हमेशा दूसरों की फीलिंग और दूसरों के थॉट्स को अच्छे से समझ पाता है, और ऐसे लोग दूसरों की भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और किसी भी काम की देरी से शुरुआत करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दूसरों से बेहतर करना चाहते हैं। और दोस्तों, आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे अगर आप ये काम करते हैं। तो नंबर 1, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, आप थमना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते और दुनिया देखना नहीं चाहते, और बिना सोचे समझे किसी भी फालतू रिलेशनशिप में आ जाते हैं, भले ही सामने वाला बेवकूफ हो, बदतमीज हो, इसीलिए रिलेशनशिप को मजाक में मत लो। जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर एक गलत इंसान से आपको प्यार हो गया तो।
नंबर टू, अगर आप बहुत ज्यादा आशिक मिजाज है और आपकी आशिकी कुछ ज्यादा ही फैल रही है और आप बहुत ज्यादा जुनूनी है काम के लिए नहीं बल्कि आशिकी के लिए, दोस्ती के लिए, सपनों की दुनिया में बिजी रहने के लिए, तो फिर आपका भला ऊपर वाला ही करे। नंबर थ्री, अगर आप इतने बड़े होने के बावजूद भी खुद की तलाश नहीं कर पाए कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, आखिर आपका वजूद क्या है इस दुनिया में आने का, अगर तुम सिर्फ दूसरों के हिसाब से चलते जा रहे हो और अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में ये बात डाल देते हो कि आपको बस 3 घंटे के बाद उठना है, भले ही आप 2 दिन से सोए नहीं हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से आराम से उठ जाएंगे। और जब कोई इंसान हमें धोखे में रखता है और अचानक हमें सच का पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और कई बार तो इससे लोगों की मौत भी हुई है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें ज्यादा लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं होती, और ऐसे लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं तो भी सोच समझ कर मिलते हैं, और ज्यादातर ये लोग अपनी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर लेते हैं। और रात में लिया गया डिसीजन हमेशा सच होता है, इसीलिए कभी भी रात में लिए हुए डिसीजन पर डाउट मत करना, क्योंकि रात में हमारा माइंड बहुत शांत होकर सोचता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।